नजर ना आ गया और मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारी स्किन का कभी ये मसला हो गया कभी वो मसला हो गया है तो द सीन इज दिस कि जब स्किन की बात आती है तो आपको फेस को ख्याल रखना चाहिए फेस की क्लेंजिंग बहुत जरूरी क्लेंजिंग कैसे हो गया देखिए दो तरह के फेस यूजली बहुत कम होते हैं चार तरह के आदमी जो स्किन होती है जिसका नॉर्मल हो गई कॉम्बिनेशन हो गई ड्राई एंड आपकी ऑयली सो बेसिकली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपके के क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ठीक है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपने मेकअप वगैरह किया हुआ है उसको आपको क्लेंजर से साफ करना है उसके बाद आपने अपने आँखों का जो मेकअप है वो भी आपने साफ करना है तो वो आई मेकअप रिमूवर जो होगा उससे साफ करें और साथ ही आप उसके बाद टोनर आप ज़रूर लगाएं जो ऑयली स्किन होती है वो टोनर के बाद ज़रूर फेस को जो वॉश भी करें किसी भी अच्छे फेस वॉश से जिनकी ड्राई स्किन होती है यूजली फेस वॉश ना भी यूज़ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सो कुछ मैं ब्रांड्स यहाँ पर थे तो मैं इसके बारे में ज़रा सा बताना चाह रही थी कि स्पेशली देखेंगे कुछ ये एक तो वाटर होता है ये क्लेंसर ये स्पेशली ऑयली जो स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है इसके साथ ही टोनर भी मौजूद है लॉरियल के प्रोडक्ट्स हैं मिल्की फॉर्म में भी मौजूद है ये है परफेक्ट मिल्किंग ये प्योरीफाइंग ब्राइटनेस के लिए सही है ये इस फॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं तो मिल्की चीज़ें ज़्यादातर जो होती हैं वो ड्राई स्किन के लिए तो याद रखें जो वाटर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो ऑयली स्किन के लिए होती हैं ताकि आपका जो है अच्छी तरह से जो ऑयल वगैरह जो है वो सीरम बन ना सके लेकिन मेकअप की सफाई ज़रूरी है मेकअप नहीं भी किया हुआ वैसे भी आपके चेहरे की सफाई तेरी ज़रूरी है आपको पिंपल्स नहीं होंगे आपकी स्किन साफ रहेगी एक्ने नहीं आएगी साथ में आपके जो आपको लगता है कि आपकी ड्राई और डल स्किन हो रही है वो भी नहीं होगी अच्छा इसके साथ ही पॉन्ड्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं निविया के हैं आप ये सारे प्रोडक्ट्स में से आप कोई भी जैसे कि मैं उस जगह पर आई हूँ जहाँ पर आपको ये इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे एप्को फोरम में मौजूद है किचन में यहाँ पर आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे आप आएँ आके ये खरीदें भी और दूसरा एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपकी स्किन पर जो आप कहते हैं ना मेरी सफाई किस तरह होगी आप ईज़िली यहाँ से आप ये ले सकते हैं चीज़ें तो आपका ये क्लेंजिंग का मसला जो है दूर हो गया और प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती है मैं आपको बॉडी शॉप में लेकर गई मैं आपको डर्मोलॉजिका में नहीं लेकर गई क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव होते हैं ड्रामा के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं बायोड्रामा के बहुत महंगे हैं तो ये कि अगर आपको कोई ईजी और आसान सस्ता प्रोडक्ट है तो आपको मैंने बताया लॉरियल भी ले सकते हैं बहुत सस्ता नहीं है लेकिन फिर आपका जो है जी हल्का हो जाएगा इतना महंगा नहीं आपको पड़ेगा मे भी आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा कौन आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा ऑल दीज प्रोडक्ट यू कैन यूज फॉर योर फेस प्लीज़ अपने फेस को क्लेंज करें मॉइस्चराइजिंग यूज करें अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो मेकअप भी खूबसूरत थैंक यू